उसने अपने दोस्तों को बताया, हमें इतनी अच्छी ट्रीट थी ना, बहुत ज़बरदस्त थी ना। छोटा सा बच्चा देखा था ना आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मंडे है, आज मंडे की मॉर्निंग हो रही है, ठीक है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं। तो आए चले मैं आपको बाहर का पहले नज़ारा दिखा दूं कि सुबह सुबह 8:30 बजे पर बहुत अच्छा लग रहा है नज़ारा। तो काफ़ी देख लिया आपने, सुबह सुबह का टाइम कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। और सुबह सुबह के टाइम वैसे भी बहुत अच्छा ही लगता है, मौसम भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है। लाइट चली गई, 8:30 बज रहे थे और अब लाइट चली गई है। ओह माय गॉड, अब मैं वहीं रोशनी वाले कमरे में जाती हूँ। आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे था क्योंकि रमज़ान में हमें ट्रीट मिली थी। आज मेरे छोटे भाई ने हमें ट्रीट दी थी। और रमज़ान में तो मतलब ऐसा होता है ना कि अक्सर आप सहरी करते, खुद ही बनाते और फिर मतलब खा लेते, सहरी कर लेते, लेकिन आज जो है ना हम लोगों को ट्रीट मिली थी। वो कहता है किस चीज़ की, कढ़ाई की। कढ़ाई की मिल सकती है। भाई ने कहा चलो मैं पिज़्ज़ा लेकर आ जाता हूँ, पिज़्ज़ा तुम तो खा लेना ना। लेकिन पिज़्ज़ा नहीं खा सकते थे क्योंकि जाहिर सी बात है आप सेरी कर रहे हो, थोड़ा सा पिज़्ज़ा वैसे सही होता है, लेकिन हमें तो खैर नहीं भूख लगती, मुझे तो खैर नहीं लगती। मैं जितना मर्ज़ी थोड़ा भी खा लूँ तो मुझे दोबारा भूख नहीं लगती है। बट फिर भी पिज़्ज़ा मना कर दिया था मम्मा ने, तो हमने कढ़ाई मंगवा ली थी और फिर हमने सेरी कर ली। मैं आपको दिखाती हूँ सेरी। ये थी हमारी चिकन कढ़ाई आज की, और बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मज़े की लगी। हमें इंजॉय किया ट्रीट समझ के, और चाय चलो अब मैं बैठ गई हूँ क्योंकि थक गई खड़े खड़े ना, जाहिर सी बातें रोज़ा भी गए और रोज़े में इतना खड़ा नहीं हुआ जाता। और फिर बाद में मेरी सिस्टर आ गई थी तो उसने कहा कि मुझे भी ट्रीट चाहिए, जब सेरी होएगी उस टाइम पे तो मैं होंगी नहीं, तो मुझे भी अभी चाहिए ना। तो फिर मेरे भाई ने जो है ना उसके लिए लेकर आ गया था और मैंने वो वीडियो बना ली थी, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं उसके लिए क्या लेकर आया था। तो ये लेकर आया था मेरा भाई सिस्टर के लिए, ये पान है और मैंने भी खाया था आइसक्रीम और रोल, ये तीनों चीज़ें। तो देखिए आप लोगों ने कितनी अच्छी चीज़ थी, बहुत ही मतलब एक ट्रीट जो है ना बहुत प्यारी लग रही थी, वो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और पान मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, वैसे मैं खाती तो हूँ नहीं, खा लेती हूँ बट पसंद नहीं है कोई इतना ज़्यादा। हाँ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। बाकी तो अच्छी लग रही थी, वैसे ट्रीट तो अच्छी लग रही थी देखने में। हाँ और उसने जो है ना हमें ट्रीट इसलिए दी थी क्योंकि उसने बाइक ली थी, और बाइक पहले भी उसके पास थी लेकिन उसने वो मतलब सेल कर दी, उसने दोबारा न्यू बाइक ली है। तो इस वजह से पहले भी उसने न्यू ली थी बाइक, फिर अभी कुछ मतलब टाइम भी नहीं गुजरा, उसने अपनी बाइक दोबारा से बेच के अब न्यू दोबारा ले ली है। उसने कहा मेरी बाइक तो सब ने ख़राब कर दी है, तो इस वजह से फिर उसने न्यू ले ली बाइक। और उसने कहा कि अब मैं एक हाथ में रखूँगा। और उसने अपने दोस्तों को बताया, हमें तो कराई थी, उसने अपने दोस्तों को जो है ना ट्रीट दी है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या उसने ट्रीट दी है। वाओ माशाल्लाह क्या ट्रीट है, बहुत वैसे अच्छी है, अंडा पराठा ये भी ट्रीट अच्छी होती है। ट्रीट कितनी अच्छी ट्रीट थी ना, बहुत ज़बरदस्त थी ना। अच्छा और जैसे बात अभी रमज़ान है ना, तो उस वजह से कहा चलो अभी हम ऐसे ट्रीट करते हैं और उसके बाद जो है हम ईद पर हम लोग घूमने चले जाएंगे, वहाँ मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा, फिर हम वहाँ पर खाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्त छोड़ेंगे तो सही, छोड़ेंगे तो नहीं। हाय, ये छोटा सा बच्चा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन जूम मैंने फुल किया हुआ है तो इस वजह से थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। सर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या, एक सेकेंड, रेलगाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है।
टाइम लग रहा है ट्रेन से जाने में, बिल्कुल स्लोली 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 करके जा रही हूँ। आवाज़ आएगी तो मेरी आवाज़ कम आएगी, और शायद वो चली गई वैसे भी जितनी देर में मैंने स्टार्ट किया वो चली गई। बस यहाँ से तो चली गई, नज़र नहीं आ रही, बट आवाज़ थोड़ी थोड़ी फिर भी आ रही है उसकी। एंड मैं क्या कह रही थी, मैं तो भूल ही गई मैं क्या कह रही। हाँ, ये जो है छोटा सा बच्चा देखा था ना आपने, इनमें यहाँ पर जो है ना होता है रेगुलर, मतलब बहुत टाइम से जो है ना यहीं पर ये, और मैं इसे खाना देती थी, फिर उसके बाद जो है ना ये यहाँ पर तीन डब्बे वाला, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब तीन डब्बे वाला आता है यहाँ पर रेडी लेके। तो ये भाई मतलब इतने अच्छे भाई है ना, मत पूछो कि ये जो है ना मतलब इसको हमेशा खाना देते थे या फिर क्या था सीन। तो अब जो है ना ये जब भी आता है ना रेगुलर आता है, तो यहाँ पर इस जगह पर हमारे जो गली के नीचे है ना, यहाँ पर जो है ये तकरीबन एक से डेढ़ घंटा तो मतलब रुकते हैं यहाँ पर, और जब तक ये इसके मतलब रेडी के ऊपर चढ़ जाती है, पेटी रखी हुई उसके ऊपर चढ़ जाती है हमेशा जो है ना इसके ऊपर। मैं जब भी देखती थी मैं कहती यार ये क्यों यहाँ पर जाके बिल्कुल लेट ही जाती है ना। तो मैंने फिर देखा ना कि यार ये जो है ना इसको खाना भी देते हैं भाई, जब मतलब रेगुलर इसके लिए खाना लेकर आते हैं और इसे खाना देते हैं। पहले तो मैं देती थी बट अभी ये देते हैं, तो फिर इस वजह से मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को तो मुझे देना पड़ता है। यहाँ पर मैं नीचे यहाँ पर आती है एक बिल्ली आती है, तो उसे भी देना होता है, डॉगी के बेबी को देना होता है, फिर मेरे यहाँ पर घर में खुद ही चार हैं, तो इस वजह से मुझे सबको देना होता है। चलो एक अगर भाई दे देते, अगर वो कभी नहीं होता रात में, अगर ये बोल रही होती है भूखी होती है तो फिर मैं इसे दे देती हूँ, पता नहीं भूखी होती है भूखा होता है कौन है, फिर मैं इसे दे देती हूँ। अभी देखो कितनी ज़्यादा चूड़ियों की आवाज़ आ रही है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो जाहिर है इस टाइम पे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा होगी और शोर होगा, और मैं हूँ भी इस रूम में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ आती है, डायरेक्ट विंडो है ना, तो उस वहाँ से आवाज़ आ जाती है। चलो अभी तो लाइट गई भी वैसे भी, और मैं यहीं पर खड़े रह रहे कि मैं क्या करूँगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो ना करूँ, और मैं फिर बाद में फिर कभी बना लूँगी, क्योंकि अभी यहाँ से अलावा मैं यहाँ के अलावा मैं कहीं और जा नहीं सकती, कि लाइट के भी है और अंधेरा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ खड़े रह के कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ बोल सकती हूँ। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।